तक्ष के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से अमेठी और रायबरेली पर भी सवाल पूछा, और जब सवाल पूछा गया तो बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में खड़गे ने जवाब दिया। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे, वो गए। जनता कहां पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं लेकिन चार उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। उधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिना देरी किए हम अमेठी रायबरेली पर निर्णय का ऐलान करने जा रहे हैं, जो कि संभव है अब से कुछ देर बाद हो जाए। ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല, വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ഷനേക്കാൾ ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷൻ. അമേഠി സെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കെ ലഡ്നെ കാ സങ്കേത് ദോ ദിൻ പെഹ്ലെ അഖിലേഷ് യാദവ് ഭീ ദേ ചുകേ ഹൈ. तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं? अरे सब आएंगे, अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना, बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कर दी थी। 20 अप्रैल की महाराष्ट्र के नांदेड़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राहुल वायनाड से भाग जाएंगे। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। कांग्रेस ने अभी अमेठी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा जबरदस्त से चल रही है और जैसे ही वायनाड में चुनाव खत्म हुआ वहां पर वोटिंग हुई, इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी के विरुद्ध लड़ेंगे और इसका ऐलान आज कुछ ही देर में संभव है। जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा, 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान ना बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय ना बनवा पाते 15 साल। वो समय चीजें तय हो रही हैं और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे? बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। अमेठी और राहुल गांधी को लेकर अब बयानबाजी काफी तेज हो गई है, सभी अपने अपने ढंग से, कोई राहुल का समर्थन कर रहा है तो कोई राहुल पर कटाक्ष कर रहा है। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है।
जैसा आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उनके सामने प्रभारी के नाते पूरा पक्ष रख दिया गया है और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति इसके बारे में निर्णय लेके जो भी निर्देशित करेगी, मुझे विश्वास है कि चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों या जो कोई भी उम्मीदवार हो, इन दोनों लोकसभाओं में सुनिश्चित तौर पर एक बहुत ही मजबूत चुनौती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे, जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं।